नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर झारखंड का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। असम के सीएम और झारखंड बीजेपी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा झारखंड के दौरे पर हैं। हिमंत बिस्वा सरमा ने पाकुड़ के गायबथान में जमीन विवाद में मारपीट मामले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका हाल जाना है। इस दौरान गोपीनाथपुर था जाने के उन्हें रोकने के मामले में हेमंत सरकार पर वे जमकर बरसे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि संथाल में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो चिंता की बात है। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि गायबथान के पीड़ित परिवार को बीजेपी 1-1 लाख की सहायता राशि देगी ताकि उनका सही इलाज हो सके। साथ ही पीड़ितों की लड़ाई में बीजेपी उनके साथ है। साथ मौजूद हैं असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, जिन्होंने ग्रामीणों से बात की है महेशपुर के गायबथान गांव में। सर, क्या आपने मुलाकात की है, क्या लगा सर? देखिए, हमारे यहाँ में एसपीटी कानून लागू है और कोर्ट भी ऑर्डर दिया है कि डांडू और परमेश्वर को जमीन देना चाहिए, प्रशासन को लौटा के देना चाहिए, लेकिन काम नहीं हुआ और बड़ा घटना हो गया। तो अभी ये जो भी लड़ाई है हमारा पार्टी लड़ेगा और जरूरत होने से हम लोग हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाऊंगा। हम लोग पूरा कोशिश करूंगा कि डांडी और परमेश्वर को न्याय मिले। संथाल को सर किस रूप में देखते हैं आप झारखंड? यहाँ में तो जो मैं देख रहा हूँ पूरा तो डेमोग्राफी बदल चुका है। एक हमारा प्रदेश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, मैं अपील करूंगा भाई आप जैसे आसाम में मैंने एकड़ एकड़ हेक्टर हेक्टर माटी एविक्शन किया हूँ, कोई मतलब कमी नहीं है। मैं कल बताऊंगा प्रेस में कितना जमीन हम लोग एविक्शन किया हूं यही कानून ना मानने का कारण। तो आप लोग स्ट्रांग होइए, नहीं तो आदिवासी का अस्मिता संस्कृति सब खत्म हो जाएगा, झारखंड में कुछ नहीं बसेगा। आप देख सकते हैं जो परिवेश है। आप ये संथाल आदिवासी का है, आदिवासी डरा हुआ है और घुसपैठिया हल्ला कर रहा है। लगातार ये विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि भाजपा के द्वारा इस विषय को जो है हिंदू मुस्लिम के तौर पर। नहीं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये आदिवासी अस्मिता का लड़ाई है। आपने देखिए यहाँ में घुसपैठियों आए, बोले हमारे पास कुछ कागज नहीं है, कागज दिखाना जरूरत नहीं है, हम जबरदस्ती जमीन लूंगा। मतलब क्या है, आपका पास कोई कागज है क्या? ये हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं है, ये डांडू हेमरम और परमेश्वर हेमरम का लड़ाई है और उस लड़ाई में हम उनका साथ है। आपने आश्वासन भी दिया कि उनकी लड़ाई अब भाजपा लड़ेगी। जरूर भाजपा लड़ेगा। तो ये थे हिमंत बिस्वा सरमा, जिन्होंने कहा है कि जो की हक की लड़ाई है वो यहाँ पर अब भाजपा लड़ेगी और भाजपा कानून के तहत न्याय लेकर आएगी और ये प्रशासन से अपील करेगी कि जो यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनके साथ न्याय हो और इस लड़ाई में वो सभी आम लोगों के साथ, झारखंड के लोगों के साथ और झारखंडियत के साथ वो मजबूती के साथ खड़े हैं और हर उस समस्या के जड़ तक जाएंगे जो झारखंड के लोग यहाँ पर इस समय उस समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अपने सहयोगी अभय के साथ न्यूज 11 भारत के लिए पाकुड़ से श्रीकांत। और देखिए, झारखंड बीजेपी के चुनाव से प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पाकुड़ के उस केकेएम कॉलेज में पहुंचे हैं जहां पर पूरा विवाद देखने को मिला था पिछले दिनों। और इस आदिवासी छात्रावास में छात्रों के साथ पिटाई का यह पूरा मामला था। पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगे थे और इस बीच पिछले दिनों हमने देखा था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इन छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे थे और अब हिमंत बिस्वा सरमा भी वहां पर पहुंचे हैं, छात्रों का हाल जान रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या कुछ पूरा मामला था। क्योंकि पिछले दिनों जब हम अगर याद करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उन्होंने साफ तौर पर पाकुड़ एसपी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था बिना किसी निर्देश के इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच हुई इस मारपीट में अब राजनीतिक रंग देखने को मिल रहा है। हिमंत बिस्वा सरमा वहां पर पहुंच चुके हैं, छात्रों से हाल जान रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत कर रहे हैं, काफी लोग वहां पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर पाकुड़ से दिखा पा रहे हैं जहां केकेएम कॉलेज में इस आदिवासी छात्रावास में छात्रों के साथ पिटाई हुई थी। एक तरफ जहां ये आरोप लगाया गया था कि ये छात्र अगले दिन रैली करने वाले थे और इसे नाकाम करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से ये रवैया अपनाया गया, वहीं छात्रों ने भी एक गंभीर आरोप लगाया कि रात के लगभग 12:30 बजे और 1 बजे पुलिस पहुंचती है और उनके साथ ये मारपीट होती है।
तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, पाकुड़ की ये तस्वीरें हैं। छब्बीस तारीख रात को झारखंड पुलिस का जो कम से कम 150-200 पुलिस आके पूरा छात्रावास में रहने वाला बेटा लोगों का, स्टूडेंट्स लोगों का ऊपर पूरा अत्याचार किया। ये एक आदिवासी हॉस्टल है और लोगों को बुरी तरह पीटा गया, गाली दिया गया और 11 बच्चा घायल हो चुका। सारे लोगों का ऊपर बड़ा बड़ा धारा लगा के केस भी किया गया है। वो लोगों ने पूछा भाई हमारा कसूर क्या है, लेकिन कोई भी कसूर नहीं था, कोई भी एलिगेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अभी क्यों पुलिस यहाँ आए हैं ये पूछने से अलग अलग बातें बताते हैं। ये एक आक्रोशमूलक काम है। स्टूडेंट्स लोगों को टारगेट किया गया, आदिवासी स्टूडेंट्स लोगों को टारगेट किया गया, किस लिए ये लोग आवाज उठा रहा है, जो जो समाज का साथ अन्याय हो रहा था इसका खिलाफ आवाज उठा रहा था। तो ऐसे भारत का कोई प्रदेश में नहीं होते हैं कि रात 1-1.5 बजे 150-200 पुलिस लेके अत्याचार करना, ऐसा भारत का कोई प्रदेश में नहीं होते हैं। खास करके जब झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री है, उस समय कैसे लोगों को साहस मिलता है कि आदिवासी छात्रावास में ही आके पुलिस अत्याचार करे। मैं झारखंड का मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि ये बेटा लोगों का ऊपर, बच्चा लोगों का ऊपर जो भी केस दर्ज किया गया है उनको तुरंत वहाँ पास लीजिए। ये लोगों का अपना भविष्य है, ये अगर केस का साथ वो लोग लड़ते रहेगा तो वो लोग का भविष्य भी बेकार हो जाएगा। 11 बच्चा का ऊपर पुलिस ने लाठी मारा, लात मारा, कोई लोगों का अभी तक सीटी स्कैन भी नहीं हुआ है। तो नहीं, ये चिंतनीय नहीं यार भाई, ये दुख का बात है। मैं हेमंत सोरेन जी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाई ये आपका ही बेटा है। मैं झारखंड का मुख्यमंत्री महोदय को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप SP को ट्रांसफर कीजिए, आप बच्चा लोगों का ऊपर जो भी केस दर्ज हुआ है इसको उद्र कीजिए। ये लोग तो आपके ही देख के बड़ा हुआ है, आपको ही तो हीरो मानते हैं ये लोग, तो कम से कम आप नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? ये सारे बच्चा लोगों के लिए हीरो कौन है? हेमंत सोरेन ही अपना हीरो है। अगर आपका राज में आपका बेटा को न्याय नहीं मिलेगा तो कौन न्याय दिलाएगा? तो इसीलिए ये बात पॉलिटिक्स का नहीं है। मैं झारखंड का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप बच्चा लोगों का मेडिकल का जो भी केयर लेना है केयर लीजिए, आप केस विड्रॉ कीजिए और पाकुड़ का जो भी पुलिस अधिकारी ये निंदनीय घटना का साथ शामिल है उसको बर्खास्त कीजिए, कम से कम निलंबित कीजिए, एक जांच बैठाइए। देखिए, मैं कोई चुनाव से लेना देना नहीं है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ ये सब बच्चा हेमंत सोरेन जी का ही बच्चा है, समाज का बच्चा है, हमारा बच्चा है। तो यहाँ में चुनाव का, देखिए चुनाव बाहर में होगा, स्टूडेंट हॉस्टल में क्या चुनाव होगा? नहीं, मैंने पार्टी का सभापति जी को बोला हूँ कि मैं, हमारा पार्टी पूरा मदद करेगा, आप बच्चा लोगों का ट्रीटमेंट का व्यवस्था कीजिए। लेकिन पार्टी से करना एक अलग बात है। मैं तो बार बार झारखंड का मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये आपका बच्चा है, आप इनका ध्यान रखिए, केस विड्रॉ करवाइए, नहीं तो बच्चा लोगों का ऊपर जो जो भयानक धारा लगा दिया गया है वो लोग कहाँ जाएगा बड़ा होने से? कोई नौकरी के लिए आवेदन करूंगा तो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा, कोई भर्ती के लिए आवेदन करेगा तो वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मेरा 3 रिक्वेस्ट है, मैं डिमांड नहीं बोलूँगा, मेरा 3 रिक्वेस्ट है। एक तो बच्चा लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए, नंबर 2 बच्चा लोगों का ऊपर जो FIR दिया है उनको वहाँ पास लिया जाए, नंबर 3 जो भी अधिकारी ने ये अत्याचार किया बच्चा लोगों का ऊपर उनको तुरंत निलंबित करके एक जांच बैठाया जाए, ये मेरा निवेदन होगा। कल मैं झारखंड का राज्यपाल महोदय से भी मिल के ये इश्यू, ये निवेदन मैं करके जाऊंगा। गोपीनाथपुर मेरा जाने का मन था, लेकिन प्रशासन ने मुझको पत्र दे दिया है कि आपको गोपीनाथपुर जाने का अनुमति नहीं दिया गया है।
मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, इसीलिए मैं झारखंड पुलिस का जो भी निर्देश है इसको अवमानना करके मैं मुझको गोपीनाथपुर जाना ठीक नहीं होगा। कारण उन्होंने बताया कि मेरा सिक्योरिटी का ऊपर, आपका सुरक्षा को जिम्मेदार देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि आपको जाना नहीं चाहिए। तो मेरा यही है कि आप एक चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। अगर आप एक चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं दे सकता है तब आप दूसरा लोगों को कैसे आप सिक्योरिटी देगा? गोपीनाथपुर में जो लोग बसा हुआ है उनको आप कैसे सिक्योरिटी देगा? तो यहाँ में तो मैंने कहीं सुना ही नहीं था कि एक सरकार, एक प्रवासी मुख्यमंत्री को बोला जाता है कि आपको हम सिक्योरिटी नहीं दे पाऊंगा इसलिए आप वहाँ मत जाइए। क्या हो रहा है मैं तो देख के ही हैरान हूँ। SPT कानून लागू है, आदिवासी का जमीन घुसपैठिया हड़प लेते हैं। आदिवासी ट्राइबल हॉस्टल है, आदिवासी हॉस्टल है, यहाँ आके पुलिस लोगों को लात मारते हैं, लाठी मारते हैं। फिर गोपीनाथपुर में दूसरा स्टेट और यहाँ का घुसपैठिया मिल के गोपीनाथपुर में हमारे लोगों का ही ऊपर अत्याचार करते हैं। कोई देखने जाना चाहते हैं बोलते नहीं नहीं आप मत जाइए, वहाँ में आपका सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अगर मेरा सिक्योरिटी के लिए खतरा है, अगर आप मुझको सिक्योरिटी नहीं दे सकता है तो मतलब गोपीनाथपुर का लोगों को आप कैसे सिक्योरिटी देगा? ये हालत है आज पाकुड़ पुलिस का। सत्ता पक्ष तो कहता है कि आपकी सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अरे खर्चा तो मैंने बोल दिया, मैं वहाँ पास कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आसाम पुलिस से, आसाम गौर सरकार से पत्र आ चुका है, उसमें कोई इशू नहीं है। सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे सर, जब एक मुख्यमंत्री को सुरक्षा के लिए? नहीं, मैं तो आज हैरान हूँ, मैं तो एकदम हैरान हूँ। अगर एक मुख्यमंत्री को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकता है तो साधारण नागरिक को आप कैसे सिक्योरिटी देगा? हमारा पास CRPF का जेट प्लाज है, उस व्यक्ति को आप अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकता है मतलब सिचुएशन कितना खराब है। उस टाइप पर सर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है कहना केंद्र पर ही आरोप लगा रहा है। यहाँ भाई साहब आप बताइए, SPT कानून केंद्र लागू करेगा कि झारखंड सरकार लागू करेगा? आज गोपीनाथपुर का लोगों को न्याय केंद्र देगा कि झारखंड सरकार देगा? ये छात्रावास का बेटा लोगों को, मेरा भाई लोगों को सुरक्षा कौन देगा? केंद्र सरकार देगा क्या? तब तो झारखंड सरकार का कोई काम ही नहीं है। मतलब सर सत्ता पक्ष का आरोप है कि जो बॉर्डर है बांग्लादेश का, बॉर्डर में तो सेंट्रल की फोर्स है। देखिए यहाँ में बॉर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है घुसपैठिया आके बैठा हुआ है। कौन सरकार का दिन में बैठा हुआ है मैं आपको नहीं बताना, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। घुसपैठिया BJP का समय से नहीं आ रहे, घुसपैठिया पहले से आ रहा है, कब्जा बना के बैठा हुआ है। आसाम, बंगाल, त्रिपुरा से जो घुसपैठिया आते हैं वो झारखंड आ रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आपको लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।